वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ यखनी पुलाव। तो हमारे पास गोश्त है 1 किलो, बाकी धनिया और सौंफ है हमारे पास 2-2 चमचे, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, 4 बड़ी इलायची हैं, कुछ लौंगे हैं, 3 से 4 पत्ते हमारे पास तेजपात के हैं, दालचीनी है हमारे पास और बादियान के फूल हैं। तो ये जो है हम सब चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। पानी है हमारे पास यहाँ पे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये गोश्त है, ये धो लिया था मैंने अच्छी तरह, पानी निकल चुका है इसका। ये सब चीजें जाएंगी इसके अंदर। बाकी जो है हमारे पास सौंफ और धनिया, ये हम एक कपड़े में बांध के इसमें डाल देंगे और नमक डाल देंगे, बस फिर ये गोश्त गल जाएगा। तो फिर हम, और एक हमारे पास लहसुन और एक प्याज है, बाकी सौंफ और वो हम कपड़े में बांध के अभी डालते हैं इसमें। अच्छा, ये देखें यखनी हमारी बन रही थी, तो ये गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। ये देखें बोटी टूट रही है आराम से। और बाकी जो हमने इसमें लहसुन अदरक लिया था, लहसुन और प्याज ली थी सॉरी, वो हमने निकाल ली है उसे। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लहसुन और प्याज है, इसके हम छिलके उतार लेंगे और इसे भी हम पीस लेंगे हरी मिर्चों के साथ। यहाँ पास हमारे पास हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 25 हैं हरी मिर्चें। एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, 4 प्याज ली हैं, 2 बड़े चमचे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट लिए हैं, बाकी 1 प्याली ऑयल है, जीरा है मेरे पास, मैंने शाही जीरा था मेरे पास तो मैं वो डाल ली हूँ, आपके पास नहीं है तो आप व्हाइट वाला जीरा डाल लें। बाकी तेजपात के पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो हम प्याज का करते हैं, ये ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल मैंने भिगो दिए हैं आधे घंटे के लिए। ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें प्याज डाल लें। प्याज ब्राउन हो जाए हमारी, और अभी हम इसमें जीरा डाल देंगे। अच्छा, ये तेजपात के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, ये सब हमने इसी में डाल दिए। प्याज हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसके बाद हम अपनी दूसरी चीज़ें डालेंगे इसमें। जब तक हम जो है क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास प्याज निकाली थी हमने और लहसुन का हमारे पास, हरी मिर्चें हैं हमारे पास, वो हम ब्लेंड कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 1 टमाटर है हमारे पास, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चमचे। अच्छा, ये हमारे पास एक जो प्याज थी और हमारे पास एक लहसुन था साबुत, वो हमने जो यखनी में डाला था वो हमने निकाल लिया था, छिलके उतार लिए थे, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी में हरी मिर्चें भी हमने पीस ली थी। गरम मसाला है हमारे पास पिसा हुआ 1 चमचा, नमक है हमारे पास, बस ये टमाटर जब घुट जाए अच्छी तरह से तो हमने इसमें यखनी का पानी और गोश्त डाल देना है, और उसके बाद जो है हमने इसमें राइस डाल देना है। और हाँ, अच्छा, ये जो है यखनी हमारी, अब हम इसकी बोटियाँ इसमें डाल देंगे और पानी हम रख लेंगे। जब चावल डालेंगे उसमें हम यही वाला पानी शामिल कर देंगे, और कम होगा तो हम और पानी डाल लेंगे।
ये हमने गोश्त इसमें डाल दिया है सारा, और यखनी में भी हमारा गरम मसाला था वो गरम मसाला भी इसमें शामिल हो चुका है। हमने चावलों के लिए अलग से भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है, हरी मिर्चें पीस के भी डाली हैं, बाकी कोई और मसाला नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब वही चीज़ें हैं, हरी मिर्चें गरम मसाला ये सब वो चीज़ें शामिल कर दी हमने। बस अब हमने इसको जो है इसमें चावल डालने हैं और यखनी का पानी शामिल करना है। यखनी का पानी इतना था कि मुझे पानी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो है 7 गिलास ये वाले मैंने चावल लिए थे और तकरीबन 6 गिलास यखनी के निकले हैं, और बाकी थोड़ा सा पानी जो मैंने अलग से डाला था मिर्चों वगैरह का जो पीसने के बाद था वो इसमें हो जाएगा। और ये 7 गिलास मेरे पास चावल हैं जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं, और नमक चेक कर लेती हूँ मैं एक दफ़ा और, तो नमक थोड़ा सा कम है, बाकी नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। बस ये अब पकता रहेगा, ये देखें तकरीबन पानी बिल्कुल सही रहा था और ये चावल पक रहे हैं अभी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बताइएगा यखनी पुलाव आपको कैसा लगा, और सैलड भी बिल्कुल रेडी है, मैंने बटरफ्लाई बनाई है। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो देख के लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करा करें मेरी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।